हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम यहाँ आए हुए हैं दयाराम नर्सरी में और यहाँ से आपको प्लांट्स दिखाऊंगी कि इनके पास प्लांट्स कैसे हैं और उनके क्या क्या रेट्स हैं। इसके पहले आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए मकर संक्रांति का पर्व और लोहड़ी का पर्व बहुत अच्छी खुशियाँ लेकर आए और आप सब अपने जीवन में बहुत स्वस्थ रहें और बहुत तरक्की करें। फ्रेंड्स, दयाराम नर्सरी जो है अक्षरधाम टेम्पल के पास है। ये आप जब सराय काले खां की तरफ से टुवर्ड्स गाजियाबाद जाते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पड़ती है जैन चिकन जी के साथ में। इसका फ़ोन नंबर और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फेवरेट प्लांट पेंसी से। ये देखिए, ये पेंसी है, उसमें गमले में लगी हुई है और आगे जो है इधर उसमें लगी हुई है प्लास्टिक उस कंटेनर्स में। इनके रेट्स ऑब्वियस थोड़े ज़्यादा होते हैं, प्लांट की थिकनेस पे, प्लांट के घने होने पे, प्लांट की सेहत के हिसाब से और उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनके रेट्स घटते और बढ़ते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये गसेनिया के प्लांट हैं। इनमें अभी कलियाँ बन रही हैं, अभी कोई इसी में फूल खिलता नहीं दिख रहा, लेकिन इनमें कलियाँ बन रही हैं और बहुत अच्छे घने प्लांट हैं। आप देखिए, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं ये। और ये 20 रुपीज़ के हैं और ये हाइब्रिड वाला है और डबल वाला है। इसी में सिंगल वाला और देसी वाला, वो आपको 15 रुपये का मिल जाएगा, ये 20 का है। और सब पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं, मिट्टी भी इनमें काफ़ी अच्छी भरी हुई है। अगर आप यहीं से कंटेनर में भरवाना चाहें तो वो कंटेनर में भी भर के दे देते हैं और उसके दाम थोड़े एक्स्ट्रा उसमें चार्ज करते हैं। नेक्स्ट आता है डायंथस। इसमें बहुत कलर्स होते हैं और बहुत फूल खिलते हैं, देख रहे हैं आप, और कलर्स भी इनके पास काफ़ी हैं ये सारे इधर। डायंथस में भी इनके पास 3 तरह की हैं वेराइटीज़ रेट्स के हिसाब से, कि एक 15 रुपये का है, एक 20 रुपये का है और एक 35 रुपये का है। 35 रुपीज़ वाला जो है वो प्लास्टिक कंटेनर में लगा हुआ है ब्लैक वाले में, और बाकी ये जो दो हैं ये 20 रुपये में और 15 रुपये में। वो इसलिए क्योंकि इनके आप थिकनेस देखिए, प्लांट कितना ज़्यादा घना होगा, इसके घने हैं रेट्स, इसके 20 रुपये का है। और ये वाला जो है ये कम घना है, ये वाला कम घना है, इसलिए इनके रेट 15 रुपये के हैं। ये जो आप नारा देख रहे हैं ये पिटूनिया है और ये 12 रुपए का है। इसमें कलियां बन रही हैं इस नम में और फूल लेकिन खिला नहीं है, और लेकिन ये हाइब्रिड वाला है और इसमें कलर्स बहुत अच्छे होंगे, जैसा कि ये भैया कह रहे हैं दयाराम नर्सरी वाले, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये 12 रुपए के सारे, आपको दिखा देती हूँ आगे, और सब पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं, ये देखिए है ना, काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे घने दिख रहे हैं प्लांट्स। देखिए आप, काफ़ी बहुत घने घने इनकी है ग्रोथ अच्छी। ये है नेस्टर्शियम, आप देखिए कलर्स इनमें सारे ही दिख रहे हैं और सब ये मिट्टी के गमलों में लगे हुए हैं, 8 इंच के गमले में, और ये 30 रुपये का है गमले समेत, फूल सारे में आए हुए हैं। और इसको ट्रेलिस की तरह भी लगा सकते हैं आप, हैंगिंग बास्केट में या गमले में भी लगाते हैं तो इसको आप, ये काफ़ी अच्छा भर जाता है और किसी ऊँचाई जगह पर रखेंगे तो ऊपर से नीचे इसकी बेल जैसी लटकती भी रहती है। ये 30 रुपीज़ में है। ये है शालिया, ये 2 तरह का है, इसमें 20 रुपये का और 15 रुपये का। वो भी सिर्फ उसी के कारण है कि जो ज़्यादा घना है और ज़्यादा अच्छे इसमें फ्लावरिंग हो रही है वो 20 रुपये का, जिसमें कम हो रही है वो 15 रुपये का, बस यही फ़र्क है। सनरेडिया के भी इनके पास काफ़ी ही सारे ही कलर दिख रहे हैं इधर आपको, पर्पल कलर का, मेजेंटा और पिंक और येलो कलर का, पीच भी कलर है आगे, और ये सब 20-20 रुपये के हैं। आगे ये हैं डॉग फ्लावर, ये डॉग फ्लावर भी 20-20 रुपीज़ के ही हैं। और देखिए प्लांट्स की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, मैं दिखाती हूँ आपको, पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, कुछ में फूल भी आए हुए हैं, वो दिखाती हूँ। बर्ड्स तो सभी में बनी हुई है ना, फूल लेकिन कुछ में खिले हुए हैं, तो वैसे ये आइडियल कंडीशन होती है क्योंकि आप फूल खिले हुए ले जाते हैं मतलब आधी लाइफ तो निकल ही गई है, कलियाँ वाला ले जाते हैं तो आपके घर जाके कलियाँ खिल जाती हैं। और ये है डेजी, इसमें कलियाँ आ रही हैं और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी है ना, इनमें बहुत अच्छे छोटे छोटे फूल खिलते हैं, लेकिन बहुत सारे खिलते हैं खट्टे, तो अभी ये ग्रोथ पे ही हैं और आप ले जाते हैं तो बहुत अच्छे खिल जाएंगे। देखिए बर्ड्स बन रही हैं सब में और ये 15-15 रुपये के बता रहे हैं, पॉलीथीन बैग में लगे हुए सारे। नेक्स्ट है ये केल, इसको ऑर्नामेंटल गोभी भी बोलते हैं, और ये सब पॉलीथीन बैग में लगी हुई है। इसमें 2 कलर्स आते हैं, आप देखिए कितने बढ़िया प्लांट दिखते हैं ये। ये 10-10 रुपये के हैं सारे, एक इसमें ये ऑफ वाइट कलर का होता है और एक ये मॉप से कलर का होता है, ये ऐसे ही दिखते हैं, पूरे सीजनल होते हैं, आप बचा के भी रख सकते हैं। मेरे पास 2-3 साल पुराने प्लांट्स भी हैं इनके,
और ये सारे गेंदे हैं, देख रहे हैं आप, ये 10 रुपीज़ ईच हैं। सभी कलर्स मिल रहे हैं इसमें, जाफरी भी है बीच में मिक्स होती है ना। और नेक्स्ट है, और ये है अलेशियम, 20 रुपीज़ का है, पॉलीथीन बैग में लगा हुआ, कलर्स भी सारे ही हैं और प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, खूब अच्छे भर के फूल आ रहे हैं सब में। ये भी थोड़े लंबा चलता है और ऐसे ही फूल आते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं ये, गमला भी बहुत अच्छा भर जाता है लेकिन हैंगिंग बास्केट में लटकते हुए बहुत अच्छी लुक देते हैं ये, और ये 20 रुपीज़ के हैं। और फ्रेंड्स ये है कैलेंडुला, ये बहुत ही बढ़िया प्लांट होता है, इसमें बहुत फूल खिलते हैं, आप कलर देखिए इनके, और ये सिंगल पेटल में भी होता है, डबल पेटल में भी होता है, फुल सनलाइट का प्लांट होता है और काफ़ी लंबे इसमें फूल आते हैं, और इन फूलों के सूख जाने पर बीज बनते हैं, आप अगले साल के लिए बीज भी उगा सकते हैं इनसे। और इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है, हमारे जो कॉस्मेटिक्स होते हैं मैक्सिमम उसमें कैलेंडुला का मिला होता है ना, तो ये 10-10 रुपये के हैं और पॉलीथीन बैग में लगे हैं, लगभग सभी में फूल आ रहे हैं, आप देखिए सारे, ये सबको लेना ही चाहिए, मैं अभी लेकर जाऊंगी ये भी। और फ्रेंड्स ये सेहत के लिए सैलेड पत्ता, ये 10 रुपये का है, पॉलीथीन बैग में लगा हुआ, दिखाती हूँ ये देखिए, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इनकी, और ये दो में है, एक तो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, दूसरा ये रेड कलर का, इसको शो के लिए भी लगा सकते हैं एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट, तब भी ये बहुत अच्छा है, नीचे नीचे के पत्ते खाते जाइए, ऊपर के पत्ते आपके बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे, और सिर्फ 10 रुपये में। और ये है देसी वाली कलेंचू, जो इसमें ऑरेंज जैसा फूल आता है बंच में, देखिए आप फूल आने की तैयारी है सब में, कलियाँ बनी हुई हैं, और ये 10 रुपीज़ ईच है, इसको आप सेव करके भी रख सकते हैं, सालों साल चलेगा, ये 10 रुपीज़ ईच है सारे पॉट्स। और इसमें आपको वेरीगेटेड भी दिखाती हूँ मैं, और ये वेरीगेटेड वाली है, पॉलीथीन बैग उसमें लगी हुई कंटेनर में, प्लास्टिक कंटेनर में, और ये 60 रुपीज़ का है, है ना, आप पत्तियाँ देखिए कितनी अच्छी वेरीगेशन में, इसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। अभी फूलों का कलर मुझे मालूम नहीं है क्योंकि ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है, ये भैया बोल रहे हैं ये पिंक कलर में आएंगे, अभी तो किसी में फूल दिख नहीं रहा, लेकिन कलियाँ सब में बनी हुई हैं, सब में अच्छे देखिए, खूब अच्छी बडिंग हो रखी है, और ये 60 रुपीज़ बिना विंटर्स के फूलों में, अगर डेलिया की बात नहीं की तो फिर कुछ भी नहीं किया, ये बहुत अच्छे प्लांट्स हैं। और ये तीन तरह के हैं, 35 रुपीज़ के, 60 रुपीज़ के और 80 रुपीज़ के, फ़र्क क्या है, क्योंकि ये जो 35 रुपीज़ के हैं ये पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं, मिट्टी सबकी बहुत अच्छी है, स्टैकिंग हो रखी है, कलियाँ बहुत अच्छी हैं, डबल वाला वेराइटी का है ये देखिए, सभी में कलियाँ हो रखी हैं। और जो 60 रुपीज़ वाले हैं वो 8 इंच के मिट्टी के पॉट में लगे हुए हैं, उनमें भी स्टैकिंग हो रखी है, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी, ये तो आपको भी दिखा रही हूँ 35 रुपीज़ वाले सारे। और दूसरे हैं 80 रुपये वाले, वो 10 इंच के गमले में हैं और उनमें भी स्टैकिंग हो रखी है, और सब में बस फूल आने को ही है, कलियाँ सब में बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी खिली हुई हैं। ये हैं फ्रेंड्स 60 रुपीज़ वाले, ये 8 इंच के गमले में लगे हुए हैं, आप देखिए बट सब में बनी हुई हैं, सभी में बनी हुई हैं, कोई सा ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें बर्ड्स नहीं हैं, है ना, बस फूल खिलने को ही तैयार हैं, है ना अच्छे। और ये वाले जो हैं 10 इंच एक पॉट में लगे हुए हैं, और ये 80 रुपीज़ का एक एक गमला है, और देखिए आप कलियां सब में बस फूल खिलने को ही तैयार हैं, है ना, कलियां सब में बनी हुई हैं, कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें कली ना बनी हुई हो, ये देखिए प्लांट्स की सेहत बहुत अच्छी है, सब में स्टैकिंग की रखी है, क्योंकि ये बहुत ही वीक होते हैं इनके स्टेम्स, इसलिए वो करना होता है, और ये सारे डबल वाले हैं, काफ़ी बड़े साइज़ का खिलेगा इसमें फूल, तो ये भी एक बहुत अच्छी डील है। नेक्स्ट हैं ये बर्फ़ के प्लांट्स, और इनको बर्फ़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखिए इनकी पत्तियों पर ऐसा लगता है हमेशा छोटी छोटी सी बूंदे सी जमी हुई हैं। और ये भी तीन तरह के हैं इसमें वेराइटी, एक 50 रुपीज़ के हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये मिट्टी के गमले में लगे हुए हैं, है ना, और दूसरे हैं 30 रुपीज़ के, और एक और है 15 रुपीज़ के, ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है, 15 और 13 वाले पॉलीथीन बैग में लगे हुए हैं, और जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ ये 50 रुपीज़ का ही है, काफ़ी सारे इसमें कलर बहुत हैं और फूल काफ़ी लंबे तक खिलता है। ये वाला जो बर्फ़ का है ये 30 रुपीज़ का है, और ये जो छोटे लगे हुए हैं ये 50 रुपीज़ के ईच है। और फ्रेंड्स ये हैं इनके पास स्ट्रॉबेरी, और देखिए सब में फ्लावरिंग हो रही है, प्लांट्स बहुत हेल्दी हैं, और ये 50 रुपीज़ का दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, किसी किसी में फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन सब बहुत अच्छे हैं और सब में फूल लग रहा है, फूल लग रहा है मतलब फल भी आ ही जाएगा, है ना, तो जो लोग शौकीन है फल वाले पौधे लगाने के लिए उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, और मिट्टी भी अच्छी है, आपको ज़्यादा बदलना नहीं पड़ेगा, आप चाहें तो इनसे पैसे देके
एक्स्ट्रा पैसे देके इनको यहीं प्लास्टिक के कंटेनर में भी शिफ्ट कर देंगे। ये जो गुलाब हैं ये 70 रुपीज़ के हैं, आप देखिए इनमें सब में ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है और मल्टीपल ग्रोथ हो रही है, काफ़ी हैवी देखिए है ना। और सब में आपको ऐसे दिख रहे होंगे, इनमें फूल पत्ती नहीं है लेकिन सब में आप देख रहे हैं लाल लाल पत्तियाँ आ रही हैं, तो इनमें 15 दिन में करीब कलियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और ये काफ़ी मैच्योर है, आप देखिए सब में बहुत अच्छा फुटाव हो रहा है और 15 दिन में दिखने लगेंगे। आप ये कर सकते हैं कि जो गहरे रंग की पत्ती वाले प्लांट्स हैं उनमें गहरे रंग का फूल आएगा, और जो हल्के रंग की पत्ती वाले पौधे हैं उनमें हल्का फूल आएगा। तो ये आप करके ले सकते हैं, और ये 70 रुपीज़ में। मिट्टी इनमें बहुत अच्छी लगी हुई है और ये सब पॉलीथिन बैग में। और फ्रेंड्स ये वाले जो रोज़ेस मैं आपको दिखा रही हूँ ये 100 रुपीज़ के हैं, और आप इनका देखिए तना कितना मजबूत है, ग्राफ्टिंग देखिए काफ़ी मजबूत है इनकी, और ये बहुत मैच्योर है। अभी आपको लग रहा है इसमें फूल वूल नहीं है क्योंकि इनमें सब में ग्रोथ हो रही है ना, और करीब 15-20 दिन में इनमें खूब अच्छी फूल कलियाँ भी आ जाएंगी, किसी किसी में आ भी गई हैं कलियाँ। ये देखिए कलर दिख रहा है इसमें, ये डार्क कलर का है कोई फूल, डार्क मैरून या डार्क रेड, ये देखिए। तो ये एक बहुत अच्छी डील होगी, अगर आप इसको लेना चाहें तो आप ये यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दयाराम नर्सरी का था जो मैंने आपको दिखाया, इसमें बीच में ये थोड़े से ये भी रखे हुए हैं यहाँ पर वर्बीना के पॉलीथिन उसमें लगे हुए प्लास्टिक कंटेनर में, और ये भी 35 रुपीज़ के हैं। इनमें भी फूल बहुत अच्छे आते हैं ऐसे बंच बंच में, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक खिलते हैं। कलर्स इनके पास लगभग सारे ही दिख रहे हैं यहाँ पर, तो आप ये भी एक बहुत अच्छी डील है आपके लिए। तो फ्रेंड्स मैंने जो आपको प्लांट्स दिखाए दयाराम नर्सरी के, आई होप आपके लिए उपयोगी होंगे और आप भी यहाँ से अपने ख़रीदने के लिए एक चॉइस आपके पास एक्स्ट्रा हो जाती है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।